नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लॉलीपॉप कैंडी आइसक्रीम कैंडी बनाना बताऊंगा। ये 5 रुपए में बिकती है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है फुल फैट वाला, और इसके अंदर मैं स्किम मिल्क पाउडर डालूंगा 70 ग्राम। ये स्किम मिल्क पाउडर है, 70 ग्राम है, ये डाल दिया हमने। फिर इसके बाद क्या डालना है वो भी मैं बताता हूँ। ये है आइसक्रीम स्टेबलाइजर 5 ग्राम, ये डाल दिया हमने। फिर मिक्सर जार को हम बंद करेंगे, आधे मिनट से लेके 1 मिनट तक इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं। जिसकी इच्छा है एक मिनट तक ब्लेंड कर दे, जिसकी इच्छा है वो आधे मिनट तक ब्लेंड कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है इस बात का। और ये देख लो, हमने ब्लेंड कर दिया है, सारा का सारा मिल गया। अब इस बर्तन के अंदर हम डालेंगे इसको, ये देख लो आप। अभी हमने गैस ऑन नहीं की है, रूम टेम्परेचर पर ही दूध है। सारा कुछ इसी के अंदर डालेंगे। ये है माल्टोज, कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम माल्टोज डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, जितना मिक्स होना होगा मिक्स हो जाएगा। फिर हम गैस को ऑन करेंगे। आपने अगर गैस ऑन करनी है, इस समय ऑन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज़्यादा पतीला छोटा था, ज़्यादा ऊपर तक आ गया था, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं मिला दूँ इसको। अब हम गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन करने के बाद हम माल्टोज को मिलाएंगे। थोड़ा सा दूध गर्म होगा तो माल्टोज मिल जाएगा सारा का सारा। माल्टोज मिलने के बाद हम चीनी डालने लगे हैं 200 ग्राम। 1 लीटर दूध के अंदर आइसक्रीम बनाने के लिए हमेशा 200 ग्राम ही चीनी लगती है। अगर कहीं आपको ज़्यादा कम मीठा खाने वाले लोग हैं तो 180 ग्राम भी लग सकती है। मैं हमेशा 200 ग्राम ही डालता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दूध को गर्म करेंगे और बॉयल आएगा तब बंद करेंगे हम, और इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे ताकि नीचे ना लगे। और ये देख लो, हमारा दूध अब चारों तरफ बुलबुले निकलने शुरू हो गए थे, बॉयल की तरफ बढ़ रहा था, बॉयल होने वाला था, तो हमने कर दी बंद। अब इसको हम ठंडा करेंगे, मलाई ना बन पाए। अगर दूध के ऊपर मलाई बन जाएगी, उस क्या होगा, फैट और पानी अलग हो जाएगा, तो उससे आइसक्रीम का टेक्सचर खराब हो जाता है। इसलिए हिलाते रहना और दूध को ठंडा होने तक हिलाना है कि मलाई ना बने। जब मलाई बननी बंद हो जाएगी, दूध को छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, बैच फ्रीज़र के अंदर डालेंगे। बैच फ्रीज़र को चर्नर भी कहते हैं। सारा का सारा दूध हमने अब मग्गे में ले लिया, अब हम बैच फ्रीज़र के अंदर डालेंगे, ठीक है ना। ये 1 किलो 300 ग्राम दूध बना है पूरा टोटल, और ये रस भरी रेड कलर है। हल्का सा लगाएंगे दूध के अंदर तो ये पिंक हो जाएगा। हमें पिंक रंग के बबल गम वाले बनाने हैं लॉलीपॉप, बच्चे बहुत पसंद करते हैं बबल गम फ्लेवर को। इस कंपनी का हम डालने लगे हैं बबल गम फ्लेवर, बहुत बढ़िया फ्लेवर है और ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। इसको कितना डालेंगे, 6 ड्रॉप्स डालेंगे, हल्का सा डालेंगे, 6 ड्रॉप्स बस। 1 लीटर दूध के अंदर 6 ड्रॉप्स, और पूरा फ्लेवर कैसा निकल के आएगा, बूमर जैसा। बूमर बबल गम आपने खाई होगी, सेम टू सेम वैसा आएगा। अगर किसी ने 6 ड्रॉप से कम भी डल जाएगी ना, तब भी ये फ्लेवर पूरा छोड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये देख लो पिंक कलर कितना बढ़िया निकल के आया। और ये है मोल्ड, 20 ml का मोल्ड है। एक लॉलीपॉप का साइज क्या होगा, 20 ml। और आप सोच रहे होगे कि हमने GMS तो डाला नहीं, आइसक्रीम स्टेबलाइजर डाला, इसलिए नहीं डाला GMS हमने इस वीडियो में, क्योंकि हमने भारी भारी बनाने हैं लॉलीपॉप। अगर GMS डाल देंगे तो हल्का हो जाएगा, हो जाता है आइसक्रीम। कोई भी प्रोडक्ट के अंदर हम GMS डाल देते हैं ना, तो बैच फ्रीजर से बाहर निकालते हैं प्रोडक्ट को, तो वो हल्का हो जाता है, ओवररन GMS देता है। हल्का हो जाएगा तो उससे क्या होगा, बच्चे लेट लगा के खाते हैं, मतलब आराम आराम से खाते हैं, टाइम लगा के खाते हैं, उससे फिर वो पिघलना जल्दी शुरू हो जाएगा, बच्चों के कपड़े भर जाएंगे। बाजार में किराना स्टोर में भी जो लॉलीपॉप मिलता है वो तो चीनी और उससे बनता है, लिक्विड ग्लूकोज से, वो तो आराम आराम से बच्चा खाता है। वो यही सोचता है कि ये भी लॉलीपॉप है, उसको दिमाग में इतना नहीं आता कि ये आइसक्रीम है, जल्दी पिघल जाएगी।
वो भी टाइम लगा के खाता है इसलिए पिघल जाता है। इसलिए हमने जीएमएस नहीं डाला कि ये लेट पिघले, जीएमएस डालने से ओवररन ज़्यादा मिल जाएगा और जल्दी जल्दी पिघलेगा और हल्का हो जाता है, जीएमएस डालने से आइसक्रीम का वेट हल्का हो जाता है। और जैसे ही हवा हल्की सी चलेगी या हवा के संपर्क में आता है वो पिघलनी शुरू हो जाती है, और ये लेट में पिघलेगा, पिघलेगा जरूर बट उससे दुगना टाइम लेके पिघलेगा। आराम आराम से बच्चा खाएगा तब भी आराम से पिघलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लो हमारा मोल्ड जम गया है, कितने टाइम में जमता है, 10 मिनट में। ये देख लो कितना प्यारा कलर निकल के आया, पिंक पिंक। और ये इसका फ्लेवर है ना, जो ब्रांडेड कंपनियां सेम टू सेम, उससे एक कदम आगे होगा एक कदम पीछे नहीं हो सकता कभी भी, ये गारंटी है। जो जिस कंपनी ने ये इवेंट किया, जिसने ये निकाला लॉलीपॉप, उस कंपनी से भी बढ़िया है मेरा ये वाला टेक्सचर, टेक्सचर और फ्लेवर उससे भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो बिल्कुल लाइट मामूली सा डालती है, वो मेरे हिसाब से 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालती है, बहुत ही लाइट फ्लेवर है। मैं ज़्यादा फ्लेवर डालता हूँ वो मुँह में जाने के बाद फ्लेवर छोड़ता है, उसी समय फ्लेवर छोड़ देगा। जो ब्रांडेड कंपनियाँ डालती हैं वो कम डालती हैं, वो खाने के बाद फ्लेवर आता है, और हम फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा डालते हैं कि मुँह में जाने पर ही फ्लेवर उसी समय छोड़ देता है। और टेक्स्चर उनसे एक कदम आ गया है, आप बना के देख लो जैसे मैंने बनाया, जीएमएस ने मत डालना, ऐसे बना के देख लो। और ये देख लो मैंने डिफ्रीजर के अंदर रखने के बाद 1 घंटा छोड़ा था इसको, 1 घंटे के बाद इसको देख लो मैं पैक कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं। और पैक करने के बाद फिर हमने सीलिंग की और 24 घंटे हमने फिर रखा इसको। अब 24 घंटे के बाद मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ, ये देख लो आप 24 घंटे रखा, सीलिंग कर दी, 24 घंटे रखा, ये देख लो कि 45 बने होंगे, 40 से 45 मैंने गिने नहीं है, इतने का मोल्ड होता 40 या 45 का। आप वीडियो में पीछे जाके गिन लेना कितने लॉलीपॉप का मोल्ड था, कितनी कुल्फियों का मोल्ड था। हम बिना गिने ही बनाते हैं हमेशा, कोई गिनते नहीं है कितना बना कितना नहीं बना। ये देख लो आप एकदम, आप 24 घंटे के बाद निकाल के आपको डीफ्रीजर में से, ये देख लो कितनी बढ़िया लुक है। ये कैसा इसका टेक्सचर कैसा है, चुई सा टेक्सचर है और हैवी है, वजन में भारी है ये। अगर जीएमएस डाल देते ये हल्का हो जाता, वजन में फूल जैसा एकदम फुलावट आ जाती, फूल जाता, और ये एक मोल्ड से ज़्यादा निकल जाता। 1 किलो दूध में हमारा एक ही मोल्ड निकला, अगर जीएमएस डाल देता 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से तो एक मोल्ड से ऊपर निकल जाता, फिर ये चुई नहीं बनता। ये देख लो चुई सा है इसका टेक्सचर, चुई है, जल्दी टूटता नहीं है, और बच्चा खाएगा तो उसको बड़ा मज़ा आएगा, और क्रीमीनेस भी बहुत है इसके अंदर। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।